कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत ही कुशल मंगल रहेंगे। आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर टू, द फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग टुगेदर मतलब उड़ना साथ में। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं? आप लोग बहुत लकी हो कि हमेशा मैं कहती हूँ कि आपको पैराग्राफ दिया गया है। अभी मान लो ये पैराग्राफ दिया है, आपको इसमें से ही पढ़ के आंसर्स ढूंढने हैं। अब देखते हैं पैराग्राफ में दिया क्या है। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ स्टॉक ऑफ वाइल्ड गीस। ये जो घर था उसमें फुल ऑन गीस थे। ओके, दे फेल्ट सेफ देयर। वन ऑफ दीज गीस वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। डू यू सी द क्रीपर? ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस द गीज इन सरप्राइज। डू यू सी द क्रीपर? ही सेड, लेट अस डिस्ट्रॉय हिम। तो ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स, बट जो बाकी के बर्ड्स थे बच्चों, उनसे बात की, क्योंकि गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। तो उन्होंने देखा कि सम स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। वहाँ पे क्रीपर है, तो वो सब बच्चों को, बर्ड्स के विविध सेना को उन्होंने बुलाया और बोला कि अभी डू यू सी द क्रीपर? They said, yes, let's destroy it. Why must we destroy it? Said the geese. It is so small. Who harm can it do? What harm can it do? वो क्या हमको इर्जा पहुँचा सकता है या हमको पीड़ा दे सकता है? My friends replied the wise old bird that little creeper will soon grow and the creeper up the tree it will become thick and strong. तो उनका कहना ये है कि क्रीपर है छोटा सा, मतलब प्लांट, जो ऐसे ऐसे करके बेल जिसे कहते हैं बेल, तो वो जब ऊपर जाएगी तो वो थिक हो जाएगी। What did the wise old bird? What did the old wise bird notice at the foot of the tree? उन्होंने नीचे क्या देखा? तो उन्होंने नीचे ये देखा कि वहाँ पे छोटा सा एक क्रीपर है। तो देखेंगे हम कैसे लिखना है हमें यहाँ पे। What did the wise old bird notice at the foot of the tree? उन्होंने ये नोटिस किया कि वहाँ पे एक स्मॉल क्रीपर है, ठीक है, क्रीपर है एट द फुट ऑफ द ट्री। What did the wise old man advise the other birds to do? The old wise bird advised the other birds to destroy the creeper. How did the other birds react to the wise old third वाला है, ये फिनिश हुआ, ये फिनिश हुआ, हमने देखा। तो वाइज मैन ने बोला कि ये बर्ड्स को डिस्ट्रॉय द क्रीपर, जैसे मैंने पहले समझाया। हाउ डिड द अदर बर्ड्स रिएक्ट टू द वाइज ओल्ड गीज एडवाइस एंड वाई? द अदर बर्ड्स डिड नॉट फॉलो द ओल्ड गीज एडवाइस एंड दे सेड दैट इट इज स्मॉल क्रीपर, तो दैट कुड हैव नो हार्म, वो कुछ हमको हार्म नहीं करेगा। तो फोर्थ में बोला कि हु सेड टू हुम, लेट अस डिस्ट्रॉय द ओल्ड गीज सेड दिस टू द अदर बर्ड्स ऑफ द फ्लॉक। तो ये अदर बर्ड्स को किसने बोला? ओल्ड गीज ने बोला, क्योंकि वो ओल्ड थे, वो समझदार थे। फिफ्थ में देखेंगे बच्चों, वाई डिड द वाइज गूज वॉन्ट द क्रीपर टू डू द डिस्ट्रॉय वेन इट वॉज स्मॉल? द वाइज गूज वॉन्टेड द क्रीपर टू डू द डिस्ट्रॉय वेन ही वॉज स्मॉल बिकॉज ही न्यू दैट द लिटिल क्रीपर वुड सून ग्रो, वो बड़ा होगा, एंड इट वुड क्रीप अप द ट्री, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। तो वो बड़ा हो जाएगा क्रीपर और बहुत ज़्यादा लंबा होके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा।
6. The old wise goose knew that when the creeper creeps up the tree, it will become thick and strong. तो ये important है, यहाँ mark करना है thick and strong. तो उनके दिमाग में, उनके जहन में ये चल रहा था. Page number 24 यहाँ ख़त्म होता है. हम देखेंगे page number 25. वापस एक paragraph दिया है बच्चों, पढ़ेंगे page number 25. One morning when the geese had done out of in search of food, a hunter came to the forest. So this is where the wise geese live. He said to himself, when they come back in evening, I shall catch them. तो उन्होंने बोला, जब morning हुई, geese has gone to search of food, a hunter आए. Hunter ने बोला कि जब वो लोग इवनिंग में आएंगे वापस, तब मैं उनको पकड़ूंगा. द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर. ही गॉट टू द टॉप ऑफ द स्प्रेड हिज नेट देयर. फिर उन्होंने उनका नेट जो है वो पसार किया बच्चों, ताकि वो उनको पकड़ पाए. देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट डाउन वेंट अवे. इन द इवनिंग द गीज रिटर्न एंड दे डिड नॉट नोटिस द नेट. एज दे फ्लू in the net in the tree, they were trapped. They struggled hard to get out. वो trap हो गए थे और वो बहुत ज़्यादा कोशिश में थे कि वो वहाँ से बाहर निकले. When did the hunter come to the forest? The hunter came to the forest when these geese had gone out in search. जब ये लोग बाहर गए थे खाना खोजने के लिए, तब हंटर वहाँ आए थे. सेकेंड, विथ हुम्स हेल्प डिड द हंटर क्लाइंब अप द ट्री. द हंटर क्लाइंब अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर. वॉट डिड ही डू आफ्टर ही गॉट द टॉप ऑफ द ट्री. ही गॉट द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन स्प्रेड हीज नेट ऑल ओवर देयर. आफ्टरवर्ड्स ही क्लाइंब डाउन एंड वेंट अवे. उन्होंने क्या किया, ही गॉट अप देयर एंड देन उन्होंने अपना स्प्रेड किया नेट, ताकि सब गीज वो नेस्ट में, नेट में आ जाएंगे. देन वॉट हैपन टू द गीज वेन ही रिटर्न हो. जब वो गीज रिटर्न हुई बच्चों इवनिंग में, दे डिड नॉट नोटिस द नेट और वो ट्रैप हो गए अंदर. अभी फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, Who said to whom, when they came back in the evening, I will catch them. The hunter said to himself. वो अपने आप से बोले. Second, deep in the forest fool told a very small tall tree, it the leafy branches spread out like the strong arms. The tree was house of flock of parrots. तो है wrong. Where did the geese live? The geese lived on the top of the tall tree in the deep forest. तो है 25th का ये पेज. तो geese कहाँ रहते थे, और जब जहाँ पूरा टॉप ऑफ द ट्री था वहाँ पे वो रहते थे डीप फॉरेस्ट में. तो इसके साथ ही हमारा ये पेज ख़त्म होता है. मिलते हैं 26th पे पेज पर बच्चों. तो है यहाँ पे हु एड्रेस द वाइल्ड मैन स्टोरी, है ना. मेक अ सेंटेंस विथ वाइज. मेक अ सेंटेंस विथ वाइज. तो वी शुड ऑलवेज फॉलो आर एल्डर्स एडवाइस. एल्डर्स वाइज एडवाइस. वाइज मतलब जो उसमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, और हम कभी भी ख़राब नहीं बरतेंगे. वाइज होती है वो चीज़, अच्छी वाली होती है, जिससे हमारा प्रॉफिट होता है. तो हमें बड़ों की बात सुननी चाहिए. 9th वाला, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रीपर. क्रीपर इज अ प्लांट विथ अ वीक स्टेम दैट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड और अप थ्रू द सपोर्ट लाइक वॉल्स और अनादर प्लांट. फिर 10th वाला,
क्रीपर मैंने बताया था आपको, जैसे बेल होती है, जूई चंपा बेल होती है, यहाँ से नीचे से ऊपर जाती है और आपको एक डंडी या ऐसा कुछ फंसाना पड़ता है, अदरवाइज़ वो अपने आप तो नहीं ऊपर चढ़ती, अपने को चढ़ानी पड़ती है। द वाइज ओल्ड बर्ड वॉन्टेड टू क्रीप टू बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज तो राइट तो वाइज ओल्ड मैन को क्रीपर डिस्ट्रॉय करनी थी, उनको लगा कि इसके माध्यम से कोई चढ़ के हमको ट्रैप कर सकता है। तो 11th वाला है, वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर क्रीपर्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज इट कुड हेल्प अ हंटर टू क्लाइम अप द ट्री टू किल अस। मैंने बोला आपको अभी, उनको ऐसा डर था कि इसके माध्यम से चढ़ के हमको वो आके किल कर सकते, तो हमारे अंडे सेफ नहीं है, हमको कभी भी आके वो नेट से पकड़ सकता है, जाली डाल के पकड़ सकता है। तो 12th है, द बर्ड्स फॉलो द एडवाइस ऑफ द वाइज ऑफ ओल्ड गीस एंड कट द टेंडर क्रीपर। तो रॉन्ग, द बर्ड्स फॉलो द एडवाइस, उन्होंने बर्ड्स ने यहाँ पे दिया है कि फॉलो किया, नहीं फॉलो किया, सिर्फ उन्होंने बोला वाइज डक ने कि हमको कट करना है, बट किसी ने कट नहीं किया अब तक स्टोरी में। 13 वाला है, मेक अ सेंटेंस विद द फ्रेज थिक एंड स्ट्रॉन्ग। द थिक एंड स्ट्रॉन्ग ट्री नियर माई हाउस इज होम एट टू माई टू मैनी बर्ड्स। वेल देर इज़ नो हरी, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, हु सेड दिस फॉलोइंग। तो द गीस सेड दिस टू द वाइज ओल्ड बर्ड हु वेन ही एडवाइज द गीस टू कट द क्रीपर वाइल ही वॉज यंग। उन्होंने जो वाइज डक थे ना, उन्होंने बोला था वाइज गीज ने कि इनको काटना है, तब एक साधारण से गीज ने बोला था कि नहीं इनको नहीं करना है ऐसा। फिर 12th वाला देखेंगे बच्चों, द बर्ड्स फॉलो द एडवाइस ऑफ द वाइज गोल्ड गीज कट द रॉन्ग। तो ठीक वाला हो गया। फिर 15th वाला, द गीस सेड टू द ओल्ड, ओके 15th वाला, हु स्पोक द लाइन्स, नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली, लेटर इट बिकेम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। द वाइज ओल्ड बर्ड स्पोक दीज लाइन्स, वाई डिड द ओल्ड वाइज बर्ड एडवाइज द टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट वॉज यंग। तो 26th वाला पेज बच्चों, द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज इट कुड ग्रो थिक एंड स्ट्रॉन्ग एंड इट कुड हेल्प अ हंटर टू क्लाइम द ट्री, और उनको किल कर सकता था। तो हम आए हैं पेज नंबर 27 पे अब। तो यहाँ पे दिया है, एज द क्रीपर ग्रू इट बिकेम्स वाइंडिंग इट अप अप द ट्री। तो मैंने बोला जैसे आपको क्रीपर ऊपर चढ़ेंगे तब वो गोल गोल घूम के ऊपर तक जाएंगे ट्री के माध्यम से, तो वाइंडिंग बोलते हैं इनको, यहाँ पे दिया है आपको ये वर्ड वाइंडिंग। और यहाँ पे उसके पहले वाले क्वेश्चन में थिक और स्ट्रॉन्ग बनेगा तो हंटर क्लाइम करके हमको मार डालेगा, ये था इनका आंसर। तो 18th वाला आंसर है, द वर्ड वाइंडिंग मीन्स टू गो टू द सर्कुलर और द स्पाइनल कोर्स। 19th वाला है, एज द क्रीपर ग्रू इट बिकेम अ स्ट्रॉन्ग एज डैश सी वाला रोप। तो जितना वो बनेगा थिक वो रोप की तरह कठिन हो जाएगा, जाड़ा हो जाएगा और उसके माध्यम से आप चढ़ के ऊपर आ सकते हो, तो क्रीपर की ऐसी हालत होती है। सो 20th वाला सम, सो दिस इज वाइज द ओल्ड गीज लिव, ओल्ड गीज लिव्ड, हु सेड टू दिस एंड होम। द हंटर सेड हिमसेल्फ वेन ही फाउंड थ्री वेयर द फ्लॉक्स ऑफ गीज लिव्ड। 21, द हंटर क्लाइम्ड द ट्री विद द हेल्प ऑफ द लैडर। रॉन्ग, द हंटर स्पेड हिज नेट एट द डैश ऑफ द ट्री, एट द टॉप ऑफ द ट्री। द बर्ड्स वर कॉट इन द नेट, राइट और रॉन्ग, राइट।
The geese were trapped in the net and the bee struggled hard to get out. Then 25th, when they caught in the net, the foolish birds began to weep. तो जो foolish थे, जिन बद दिमाग थे, जिनको दिमाग नहीं था बच्चों, वो रोने लगे. पहले ही old goose ने बोल दिया था कि हमको वो hunter ऐसे कर सकता है, तो किसी ने उनको serious नहीं लिया. तो अभी ये देखो net में सब फंस गए थे. Why did the geese cry help help? The geese 26th वाला geese cried help help because they were trapped in the net by the hunter. तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे. देखते हैं 27th पे क्या लिखा है. Make a sentence with the word foolish. Don't cry after making a foolish mistake. जब आपको बोला गया आप सुनते नहीं हो, फिर आप रोते हो, ऐसी बात होती है. तो ये देखिए यहाँ पे, we were foolish and we were very sorry, we did not listen to you, please tell us what to do. Who said this sentence and when? The other birds of the flock of the geese said to the wise men when they were trapped in the hunter's net. फिर उनको कबूला कि अभी हम क्या करें, हमको बताओ, नहीं तो हम तो फंसे पड़े हैं. इसलिए फिर सब ने मिलकर एकजुट होकर गीस को बोला. और इसके साथ ही हमारा ये सेक्शन यहाँ ख़त्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे 28 पे नेक्स्ट सेशन में. बाय फॉर नाउ.